तो गाइस ये सब कुछ देख के ना मुझे फिर से यादें ताज़ा हो गई। तो ये देखो, ये मेरा घर है और यहाँ से स्कूल कितना पास है। तो पहले तो गेट भी नहीं था और ये जो बाउंड्री है ना ये भी नहीं थी। तो हम लोग रिसेस हो गया या स्कूल, जब स्कूल की बेल बज जाती उसके बाद स्कूल जाते थे भाग के, वो भी। तो कुछ ऐसा है मेरा स्कूल, वो है मेरा स्कूल। पहले ग्रीन कलर था, अब तो पिंक का टाइप का कर दिया है। हाँ मैं आ रही हूँ। सो गाइज आज पापा ने यहाँ पे लाइट लगा ली है, तो बस अभी यहीं पे लगा रखी है इधर साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी लगाते लगाते। एक बज गया था इनको लगाते लगाते, इतनी लंबी लंबी लगा रखी है। देखो ये रात को दिखेंगे अच्छे से। अभी तो ऊपर भी लगानी है, ऊपर टॉप में, और यहाँ पे तो पाइप लगाते हैं शायद, पाइप वाइप लाइट लगाते हैं। हाँ नहीं है, यहाँ पे भी लाइट लगाते हो? अच्छा बहुत झंझट है यार तुम्हारा। अब तुम यहाँ पे रहने दो, यहीं पे रखो बर्तन। यहाँ देखो दादी को हाय कर दो, दादी को हाय करोगा, बाय कर रहा है। मम्मी का आज व्रत है तो मम्मी संतरा खाने, संतरा खाती है व्रत के दिन? नहीं मोलू खाती है क्या? हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड, वेरी बढ़िया हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोपहर से। आज सुबह से ऐसे ही सुबह उठे, नहाया धोया वगैरह, ऐसे ऐसे काम किया, थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल जो काम है वो था। फिर उसके बाद थोड़ा मम्मी पापा लोगों के साथ ना लाइट लगाने में हेल्प की, ज़्यादा नहीं तू हाँ मेरी हेल्प, पापा लाइट लगाए थे मम्मी के, और मैं नीचे से बस देख रही थी थोड़ी देर, फिर बहुत धूप हो गई थी, मैं अंदर चली गई थी। और यहाँ पे दोनों नानी और नातनी संतरा खाते हुए, लॉलीपॉप रख दो भी, लॉलीपॉप रख देती, लॉ दो, अब खाओ संतरा, जाओ वहाँ नानी के बैठो, वहाँ बैठ जाओ, नानी के साथ बैठ जाओ उधर। स्टूल का है, स्टूल का आपका, स्टूल लेके आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। तो गाइस अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा व्यू, जो कि वैसे मैं सोची थी सुबह दिखाऊंगी, बट लेकिन सुबह ना ऐसे हो गया, मतलब मैं थोड़ा सा लेट उठी, फिर नहाना धोना ये जिनल के साथ, बहुत जिनल परेशान कर रही थी, तो सुबह दिखा नहीं पाई व्यू। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर से का, मेरे घर से कितना अच्छा व्यू आता है करके। तो ये देखिए, तो ये है हमारे घर के आगे का व्यू जो कि कुछ इस प्रकार सा है। और ये मेरे फ्रेंड करिश्मा का घर है बगल वाला, जिन्होंने कल मुझे रात को मटन दिया था। और ये है, तो ऐसे होते हैं पहाड़ों में घर, ऐसे होते हैं, दिखाऊं? ये नीचे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में घर है, हमारा घर है। और ये पापा लोगों ने पहले गार्डन था, लेकिन अब गार्डन बंद कर दिया है, हमारा नहीं था ये, ऐसे गवर्नमेंट एरिया का गार्डन है। तो वहाँ पर ना वो है, क्या बोलो, बाइक रखने वाला स्टैंड बना दिया पापा ने। और यहाँ पे है डैम, पानी का डैम है, देखो यहाँ पे। मम्मी पहले बीच में हमें नाव चलने लगी थी ना, अब बंद कर दिया क्या? तो ये है, और ये मेरे स्कूल का ग्राउंड है जो कि पूरा बंद हो चुका है। और ये सारे वो वहाँ पे सारे आर्मी क्वार्टर्स है, सारे ऑफिसर्स के क्वार्टर, आई मीन ऑफिसर्स के क्वार्टर हैं, ये सारे ऑफिसर्स के क्वार्टर हैं। और ये एम एस का एरिया है, ये एम एस का एरिया। तो मम्मी ठंडा ही तो है। और ये है हमारे यहाँ आगे से पहाड़, तो यहाँ पे भी घर ही है, पूरा कासनी बोलते हैं उस एरिया को, कासनी। तो ये है, और वो है महाराजा पार्क, देखो पार्क। रुको एक मिनट, खाने में होगी फटाफट ना, मुझे पता है संतरे अच्छा मानते हैं, संतरे से वगैरह। हाँ, और ये तो मेरा स्कूल है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा लिया था। और ना यहाँ पे दिखाती हूँ आपको एक और चीज, तो वो है कामाख्या मंदिर, मेरे घर से एकदम दिखता है वो कामाख्या मंदिर, जय हो माता रानी। तो वो कामाख्या मंदिर है, खाओ खाओ खाओ। तो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है गाइस। हाँ खोल दे, खाने देर में खाती है, फिर शाम को ठंडा हो जाएगा। जा जाओ वो पापी भी जाओ, देखियो ऑरेंज वो नानी, वो ऑरेंज ऑरेंज वो देखियो दे लो। सो गाइस यहाँ ना पहाड़ों में ना सुबह इतनी भयंकर धूप आ जाती है। मम्मी कितने बजे धूप निकलती है? 7 बजे ना, 7 मतलब सुबह अगर तुम उठोगे तो उस टाइम थोड़ा ठंडा लगेगा आपको, फिर 7:30 या 8 बजे से भाई ऐसी धूप ना, देखो मेरी आँख अभी बंद हो रहा है, इतनी भयंकर धूप आती है ना पूछो मत पहाड़ में। और
यहाँ पे तो अंधेरा हो रहा है वीडियो मेरा, बहुत धूप आती है और अभी तक धूप है, बाहर तुम निकल ही नहीं सकते, ऐसा धूप टाइप का आता है और शाम को बस थोड़ा ठंडा टाइप का लग जाता है। तो पहाड़ों का मौसम ऐसा है, दिन भर गर्मी धूप टाइप की। देखो मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी और अब शाम हो जाएगी स्वेटर पहनना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा है। लेकिन क्या है कि हवा चलती है यहाँ की, धूप में क्या है हवा है ना, मैं हवा के साथ बहुत दूर, देखो हवा चल रही है अभी, दिख रहा है आपको ऐसे कपड़े उड़ रहे हैं, तो हवा चल रही है। ये है यहाँ का सीन और आपको धीरे धीरे दिखाते रहूँगी, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अंदर, यार बहुत धूप हो रही है। छी कैसे बैठे तुम यहाँ पे, कपड़े तो इतने गंदे हो रखे हैं मेरी लड़की, कपड़े देखो तो। मम्मी हाय हाय, हम खा रहे संतरा, हम खा रहे संतरा। सो गाइस ये मम्मी लोगों ने अपने खेत पे लगा रखे अमरूद, लगाया गया पहले से। मम्मी कब कह रहे जब ना, जब यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे पर्यावरण था पहले, और हम लोग यहाँ से पानी भर के आते थे। अब यहाँ वहाँ से उस टाइम लेके आए थे हम लोग एक पपीते का, जब पर्यावरण ना तब उठ रहा था, तब निकल जाने लग गया था, ख़त्म हो गया था वहाँ पे, तो वहाँ से अमरूद का पेड़ लेके आए थे। तो यहाँ का अमरूद है ये हमारे मेरे मायके का अमरूद। तो अभी ना बचे हैं शाम के 4 और ये देखो घास काटने वाले ना आ गए स्कूल के बाउंड्री के अंदर, जो घास काट के जाते हैं, तो काफ़ी बाहर हुई है इनको घास काटे, क्यों मम्मी मजे हो रखे हैं। तो गाइस अभी मैंने अपना स्कूल में बताया आप लोग को, लेकिन बताया नहीं कौन सा स्कूल है। तो ये है केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़, जो कि पिथौरागढ़ में सिर्फ एक ही स्कूल है केवी का, तो वो है ये स्कूल जो मेरे घर के पास है, और मैंने भी अपना 12th यहीं से कर रखा है। तो ये है अभी घास काटने वाले भी आ गए। मेरी मम्मी के नकली दांत में दर्द होने लग गए अमरूद खा के। तो गाइस अमरूद ना इतना टेस्टी है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी जिन्हें सो रखी है तब खा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें को थोड़ा खांसी वासी हुई है ना, वैसे भी अमरूद वो कम ही खाती है, संत और चीज खाती है, बहुत ही अच्छा हुआ है। मम्मी खत्म हो गई क्या, इतने 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 थे और नहीं थे, मम्मी के दांतों में दर्द भी होने लग गया अमरूद खा के। अब धीरे धीरे मतलब सूर्य ढलने वाला है ना, तो ठंडा होने लगे, क्यों हल्का हल्का मतलब हवा चलने लगी। वहाँ जंगल में किसी ने आग लगा ली, क्या और है बतानी, अच्छा अच्छा क्वार्टर है ना वहाँ तो, अच्छा तो ऐसे पहाड़ों के बीचों बीच घर होते हैं। मम्मी पीछे पहाड़ों में कोई रहने लग गया ना, मसाला खा पे रखे बता देना मम्मी क्या हुआ। ओ बाप रे तू नानी के फोन में क्या कर रहा है ये, नानी को देख के आओ, चल चली जा। तो गाइस मेरी लड़की का क्या, किसी का भी फोन मिलेगा ना उसकी फोन पकड़ने लग जाती है, फोन पकड़ी है। और आज बना रही हूँ मैं बैगन, तो बैगन मैंने यहाँ पे काट दिए हैं, और मम्मी ने मम्मी का व्रत है तो मम्मी अपने लिए खाली आलू सेंधा नमक डाल के खाएगी। और यहाँ पे मेरा प्याज भी हो गया है, मम्मी की लोहे की कढ़ाई इतनी प्यारी है। अब आज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि यहाँ पे ना मम्मी ने इंडक्शन पे रखा हुआ है आप मेरे आलू बॉयल करने के लिए, इस वजह से तो मैं आती हूँ जल्दी से अपने सामान ले डिनर, और मम्मी देख रही है टीवी, जब तक आई थोड़ा मम्मी को रेस्ट दे देते हैं, क्यों। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ तो सही है बट नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है पूछो मत, मेरे फोन में तो फोन ही नहीं आ रहा है, पता है घर वालों को फोन कर रही हूँ आवाज मतलब करती तो जा रही है बट कॉल से कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। नीरज तो मम्मी के फोन में बात कर रहे हैं मुझसे, अभी मैं मम्मी के फोन से घर वालों को ही फोन करूंगी। बिल्कुल मतलब नेट ना बाहर चल रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर 5G चल रहा है, अंदर आओ तो 2G भी नहीं पकड़ रहा है, ऐसी हालत हो रही है। अब मम्मी लोग बोल रहे हैं पता नहीं वाईफाई लगाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल मम्मी मेरा दिन में हम लोग सोए थे तो उसका बिस्तर फोल्ड कर रही है, यहाँ रजाई वजाई निकल चुकी है ठंड के मारन। और जिन्हें अभी नानी का फोन पकड़ के बैठी हुई है कोने में, वहीं पर आते हैं नेटवर्क जहाँ मेरी मम्मी चार्ज ला के बैठती है। तो चलो बनाते हैं जल्दी से खाना। गुड नाइट के ना, गुड नाइट तो बोलता, गुड नाइट बाय। तो गाइस मम्मी कर रही है अपनी बड़ी वाली बेटी से बात, 1 घंटे से पका दिया है इसने पका दिया है अपनी बेटी को और यहाँ मेरी बेटी भी सो गई है बेचारी, कोई मिल नहीं रहा खेलने के तो सो जा रही है। और इसकी दादी इसको इतना याद कर रही है ना, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी सास उसकी मतलब वहां से जब आए थे तो उसको याद करते हुए रोने लग गई थी मेरी सास।
मतलब अभी आदत हो गई ना, वैसे भी मेरी सास बहुत इमोशनल है बेचारी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी भी देखो बन के रेडी हो गई है, मैंने बैगन की सब्जी बनाई थी, पापा लोग को दे दिया है। और मेरे को ना भूख लग नहीं रही है यार, कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है तो भूख क्या ही लगेगी। तो मैंने जीनर को आधी रोटी खिलाई थी, तो उसकी आधी रोटी बची थी, मैंने वही खा ली। और मिठाई आ गया, दिल कर रहा है तो मिठाई खा लेते हैं। तो मैं कल लेके आई थी ये वाली मिठाई, सो गाइस ये वाली मिठाई लेके आई थी मैं गणपति के वहाँ से, बर्फी। कौन सी है बर्फियाँ, क्या दिखाऊँ आपको, ये बर्फी, ये सारी मिठाई शायद मैंने खाई है। तो मिठाई की मतलब मुझे ना मिठाई दी जाती है तो मैं मिठाई बहुत खाती हूँ सच में यार, मैं खाली इतनी मोटी नहीं हुई, मिठाई खा खा के मोटी हुई। मीठा मुझे पता नहीं क्यों, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मैं यार मिठाई लेके आई थी, क्या पिस्ता बर्फी लेके आई थी, आधा तो मैंने डब्बा खा दिया शायद, मुझे लग रहा है दिन भर ये खाती रहती हूँ। सो गाइस इसी के साथ कहते हैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, होप्स आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आते आते बाय, गुड नाइट।